नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम नारियल बर्फ़ी यानी कि खोपरा पाक बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम दूध का मावा यानी खोया, आधा हिस्सा सूखे नारियल का, आधा कप चीनी, एक चौथाई कप घी, 3 चम्मच सूखा गोंद। सबसे पहले गैस की धीमी फ्लेम पर एक पतीली रखेंगे, उसमें चीनी डाल देंगे। अब चीनी डूबे उतना पानी ऐड कर देंगे और चाशनी बनने तक उबालेंगे, चम्मच से हिलाते रहेंगे। चाशनी के बनने तक हम सूखे खोपरे यानी कि नारियल को ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। आप देख सकते हो, बड़े होल वाले ग्रेटर से ग्रेट करना है ताकि खमन अच्छा बने, जो खाते समय बढ़िया टेस्ट देता है। इस बर्फ़ी में नारियल का खमन हमने सूखे नारियल से बनाया है, ना कि तैयार लिया है। देखिए, ऐसे ऐसे घुमाते हुए हर तरफ से ग्रेट करना है। चाशनी भी उबल रही है, इसे एक तारी बनानी है। अब मावा भी ऐसे ही ग्रेट कर लेंगे ताकि उसमें गांठें ना रहे। खोया भी अच्छे से ग्रेट हो रहा है। सारे मावे को इसी तरह ग्रेट कर लेंगे। अब गैस की मध्यम फ्लेम पर एक पैन रखेंगे, उसमें घी डाल देंगे। घी के गर्म होने पर थोड़ा थोड़ा गोंद लेकर इसे तल लेंगे। आप देख सकते हो, घुमाते हुए अच्छे से सारा गोंद इसी तरह तल लेंगे। खोपरा पाक में तले हुए गोंद का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। गोंद भी तल के तैयार है। अब इसी बचे घी में हम मावे को डाल देंगे और हिलाकर भूनेंगे। मावा अच्छे से भून रहा है, इसका रंग थोड़ा बदल जाए और वो घी छोड़ने लगे तब तक इसे भूनना है। देखिए, मावा भी भूनकर तैयार है। अब हम इसमें नारियल का खमन, तला हुआ गोंद, ये सब डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने मावे का प्रमाण थोड़ा ज़्यादा रखा है, आप अपने हिसाब से मावा और नारियल को कम या ज़्यादा कर सकते हो। सबके मिक्स हो जाने पर इसमें चाशनी डाल देंगे और हिलाकर मिक्स करेंगे। हम यहाँ चाशनी एक तार वाली बनाएंगे, यानी इसकी बूंद को डिश पर रखने से वो फिसले नहीं, वैसी बनाएंगे। अब बची चाशनी भी डाल देंगे।
यहाँ चीनी भी आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हो। अच्छी तरह मिक्स होने तक इसे हिलाएंगे ताकि सब एक दूसरे में अच्छी तरह घुल मिल जाए। आप देख सकते हो ये मिक्स होकर तैयार है। अब घी से ग्रीस की हुई प्लेट में इसे निकाल लेंगे और कटोरी या तवे से इसे दबाकर बिछा देंगे। अब इस पर सूखे नारियल के खमन से गार्निश करेंगे और छुरी से काट कर पीस बनाएंगे। फिर इसे प्लेट में सर्व करेंगे। ये नारियल बर्फी छोटे और बड़े सभी को बहुत भाती है। आप इसे व्रत उपवास में भी खा सकते हो। देखिए हमारा खोपरा पाक यानी कि नारियल बर्फी बनके तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे ये वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल के नाम के पास बेल आइकन क्लिक करके ऑल सिलेक्ट करें ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।